हे गाइस, आप जो ये देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। दुनिया का पहला और शायद आखिरी बास्केटबॉल कोर्ट ग्राउंड है जो गुफाओं के अंदर है। और गाइस, ये स्थित है चाइना में गोझुंग प्रांत में। और अब यहाँ के लोग किसी भी मौसम में बास्केटबॉल तो खेल ही सकते हैं। और गाइस, आप जो ये दूसरे नंबर की पेंटिंग देख रहे हैं, इसका नाम है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ हेवन। और इस पेंटिंग को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम ये क्यों है। और गाइस, आप लोगों ने स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी की कोई भी मूवी देखी होगी तो उसकी शुरुआत में आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो गाइस, इस शुरुआत को कुछ इस तरीके से शूट किया गया था। हे गाइस, तो आप जानेंगे इस वीडियो में कुछ इसी तरीके के यूनिक फैक्ट्स। पर उससे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो गाइस, इस वीडियो को बनाने की हमारी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करके ऑन कर देना है, जिससे मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो डालूं तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आई होप गाइस आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फैक्ट नंबर वन की बात करें तो गाइस, आप जो ये फोटो देख रहे हैं जो आपको पानी की लहरों की तरह दिखाई दे रहा है, तो गाइस ये एक शार्क की स्किन है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा गया है और इन्हें कहा जाता है ड्रमल डेंटिकल्स। और इनके कारण ही शार्क अच्छे से तैर पाती है बिना किसी आवाज के। फैक्ट नंबर टू की बात करें तो गाइस, आप जो भी ये देख रहे हैं इसे कहा जाता है अननोन विजिबल पीस ऑफ आर्ट। और इस यूनिक पेंटिंग को बनाया है जेम्स फ्रेको ने। लेकिन आपको क्या लगता है इस पेंटिंग की कीमत कितनी होगी? तो गाइस, इस पेंटिंग को खरीदा है एक एमी डेविसन नाम की लड़की ने करीबन $10,000 देकर। तो गाइस, अगर आपको इस टाइप का आर्ट पसंद है तो मैं आप लोगों के लिए बनवा दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। फैक्ट नंबर थ्री की बात करें तो गाइस, ये इंटरनेट की एक बहुत ही ज्यादा लविंग फोटो है। इस फोटो में आप देख रहे हैं एक हंस को एक इंसान के गले लगते हुए। तो गाइस, इसे बोल सकते हैं नेचर्स हग, मतलब कुदरत की जादू की झप्पी। नंबर फोर की बात करें तो गाइस, आप जो ये क्लाउड फॉर्मेशन को देख रहे हैं इसे कहा जाता है एक्सपेक्ट क्लाउड फॉर्मेशन। और गाइस, ये जो बादल का फॉर्मेट है ये इतना ज्यादा रेयर है कि ये हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 2009 के टाइम पर ही देखा गया है। और गाइस, इस फॉर्मेट को 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्लाउड एटलेस की लिस्ट में भी जोड़ा जा चुका है। और यह 1991 में सिरस इंटोसिस क्लाउड फॉर्मेशन को जोड़ने के बाद 2009 के टाइम पर पहली बार इस मिस्मराइजिंग क्लाउड फॉर्मेशन को जोड़ा गया है। तो गाइस, देख लीजिए और इस फॉर्मेशन को याद कर लीजिए, देखते ही फोटो जरूर खींचिएगा। A few years ago, somebody sent us from the States, in fact, from Iowa. They sent us a photograph of a cloud that looked a little bit like this. All right. Looks like a kind of very turbulent sea, very, very rough turbulent sea. Sure, what to call these clouds? Because there is a name for wavy clouds, and I think, great, Asparatus, that's what I'm calling it. फैक्ट नंबर फाइव की बात करें तो गाइस, आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये किसी हॉलीवुड की मूवी का सीन नहीं है। गाइस, ये एक जगह है जिसका नाम है कायोटा जापान में। और इस फोटो में आप जो देख रहे हैं ये है बेम्बू, मतलब बांस के झाड़, जिनके ऊपर बर्फ की एक पतली सी चादर जम गई है। तो गाइस, ये आपको कितना ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर सिक्स की बात करें तो गाइस, ये भी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक प्लेस है। गाइस, ये एक आइसलैंड की जगह है। वहां पर आप देख सकते हैं आपको एक जगह पर हरियाली दिख रही है, उसके बाद में जो है आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है ये एक नदी है, के बाद में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का बीच और फिर ब्लू कलर का समुंदर। गाइस, ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फॉर्मेट है जो नेचर की तरफ से हमारे लिए है। तो गाइस, इस बात पे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। फैक्ट नंबर सेवन की बात करें तो गाइस, आप जो ये देख रहे हैं ये तुर्की में हो रहा है और 2000 फीट की ऊंचाई पर हो रहा है। इसमें ये इंसान हवा में ड्रम बजा रहा है। फैक्ट नंबर एट की बात करें तो गाइस, ये दिल किसी ने अपनी प्रेमिका के लिए नहीं बनाया है। दुनिया भर में जितने भी लोग कोरोना की वजह से मरे हैं उन सभी को ट्रिब्यूट देने के लिए दो स्वीडन के पायलटों ने ये दिल आसमान पर बनाया है।
फैक्ट नंबर 9 की बात करें तो गाइस आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये नासा की एक सैटेलाइट ने लिया है। इस फोटो में आप देख रहे हैं सहारा रेगिस्तान से रेत उड़कर जा रही है अटलांटिक महासागर में। फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो गाइस आप जो ये देख रहे हैं ये है दुनिया का सबसे छोटा पार्क। ये पार्क गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो करीबन 6,059 सेंटीमीटर गोलाकार है ये, और इस पार्क में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक पेड़। और ये पार्क अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में ओरेगन इलाके में स्थित है। फैक्ट नंबर 11 की बात करें तो गाइस ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने करीबन 5 मक्खियों की नई प्रजातियां ढूंढकर निकाली हैं, और इन वैज्ञानिकों ने इन मक्खियों का नाम मार्वल को ट्रिब्यूट देने के लिए मार्वल के कुछ सुपर हीरोज पर रखा है। जैसे कि इस मक्खी की पीठ पर इस निशान को देखते हुए इस मक्खी का नाम रखा गया है डेडपूल, और एक मक्खी को स्टैनली जो मर चुके हैं उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पर भी एक मक्खी का नाम रख दिया गया है। और बाकी 3 मक्खियों का नाम, एक का नाम लोकी है, दूसरे का नाम थोर, तीसरे का नाम ब्लैक विडो। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है आयरन मैन कब तक मिल जाएंगे, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12 की बात करें तो गाइज एक घड़ी की कंपनी है जिसका नाम है विस्ट माफिया, और इस कंपनी का एक ऑफर है कि ये कंपनी में आपको एक बार $29 जमा करने हैं, और इसके बाद ये कंपनी आपको हर महीने कंपनी की तरफ से एक वॉच डिलीवर की जाएगी, 15 तारीख से पहले आपके घर पहुंच भी जाएगी। और गाइस इस कंपनी का कहना है कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। फैक्ट नंबर 13 की बात करें तो गाइज आप जो ये फोटो देख रहे हैं और इस फोटो में जो आपको ये लड़का दिख रहा है जो एरोप्लेन में से गिर रहा है, इस लड़के का नाम किथ सेट्सफोर्ड था, और ये 14 साल का एक लड़का था जो एक उड़ने वाले विमान के पहिए पर चढ़ गया था। और गाइज जब ये विमान ऊपर उड़ा तब एक फोटोग्राफर ने इस फोटो को कैप्चर किया था, और उन फोटोग्राफर का नाम था जॉन गिलपिन। फैक्ट नंबर 14 की बात करें तो गाइस आप जो ये प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है पंडवाड़ा बिल, और इस प्लांट में आप थोड़ा तेल लगाकर इसे जला भी सकते हैं। और इस प्लांट के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल पांडवों ने भी वनवास के दौरान किया था। तो गाइस डोंट अंडर एस्टिमेट दिस प्लांट। फैक्ट नंबर 15 की बात करें तो गाइस आप इलोन मस्क को तो जानते ही हैं, और उनकी तरफ से एक खबर आई थी कुछ टाइम पहले कि वे किसी न्यूरल लिंक नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो यह एक तरीके का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होगा जिसके कारण इंसान अपना गाना अपने दिमाग में सुन पाएंगे। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, इससे दिमाग खराब होगा या फिर इलोन मस्क है तो थोड़ा भरोसा कर सकते हैं? तो गाइस मुझ पर भी थोड़ा भरोसा कीजिए। वीडियो को यही खत्म करता हूँ, लेकिन जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बोलो मार्केट में नया फैक्ट का चैनल आया है।